गुड आफ्टरनून पीपल, कैसे हैं? तबीयत पानी फर्स्ट क्लास एकदम, वेरी वेल। तो चलो शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई नीट लेक्चर नंबर 2। आई थिंक लास्ट टाइम हमने करंट करंट डेंसिटी, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ और रेजिस्टर कनेक्शंस, वो सब का आइडिया लिया था। आज सेल्स करकॉफ्स लॉस करके देखेंगे एंड जूल हीट का इच्छा है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट सेल कनेक्शंस। लास्ट टाइम रेजिस्टर कनेक्शंस देखा था, आज सेल कनेक्शंस देखते हैं। दो टाइप के कनेक्शंस है, एक सीरीज है और एक पैरेलल है। तो पहले सीरीज देखते हैं, सीरीज कनेक्शन। सपोज मेरे पास ये सेल है, इसका ईएमएफ है एप्सिलॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। वेल आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बताया था, नहीं बताया था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ईएमएफ वाज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट कंडीशन व्हेन नो रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द सेल। टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट कंडीशन एंड दिस पीडी इज मैक्सिमम एंड इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता एंड एज ए रिजल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात नहीं होती। फिर बात आती है टर्मिनल वोल्टेज की। नाउ व्हेन यू अटैच दिस सेल टू सम रेजिस्टिव सर्किट एंड करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम द सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स। अब इस सिचुएशन में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैटर करता है एंड द टर्मिनल वोल्टेज द पीडी विल नॉट बी इक्वल टू ईएमएफ, कम होगा थोड़ा पीडी बिटवीन द टू टर्मिनल्स इन क्लोज सर्किट कंडीशन, जब करंट फ्लो होता है उस सिचुएशन की बात है ये। अच्छा, ईएमएफ इज डिनोटेड एज एप्सिलॉन, टर्मिनल वोल्टेज इज डिनोटेड एज वी। अ रिलेशन बिटवीन वी एंड एप्सिलॉन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, वी इज एप्सिलॉन माइनस आई आर। अब इस सिचुएशन में आई इज द करंट फ्लोइंग एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखना, जब भी कोई सर्किट को कोई सेल को किसी सर्किट में लगाओगे तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात आपको करनी पड़ेगी एंड ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल में से करंट निकलता है। ओके, अगर पॉजिटिव टर्मिनल में घुसता है तो यहां पे करंट की डायरेक्शन को आप माइनस ले लेंगे। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। सो एवरी सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ईएमएफ एप्सिलॉन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। आई होप यू अग्री विथ मी ऑन दिस फैक्ट। कोई प्रॉब्लम इधर? ओके, तो आई थिंक लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अब मैं सीरीज कनेक्शन की बात करने जा रहा हूं। सो यू कैन सी हियर सेल है जिसका ईएमएफ है, लेट अस से एप्सिलॉन वन, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वन, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस सेल जिसका ईएमएफ है एप्सिलॉन टू, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर टू। व्हाट वुड बी द नेट ईएमएफ? रिमेंबर दिस, आपने देखा ये दोनों हेल्पिंग कंडीशन में। व्हाट डू आई मीन बाय व्हेन आई से हेल्पिंग कंडीशन? अच्छा, ये एप्सिलॉन टू किस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है? इधर टुवर्ड्स द लेफ्ट। एंड ये एप्सिलॉन वन भी किस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो इफ ऑल द बैटरीज आर ट्राइंग टू पास करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेल्पिंग कंडीशन। ओके, जब सारे करंट एक ही दिशा में पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग कंडीशन। एंड द नेट ईएमएफ इन अ वेरी सिंपल इक्वेशन, वील कॉल इट एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, इज एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू। एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस का तो कोई पोलैरिटी नहीं होता, वो सब हेल्पिंग में ही होते हैं हमेशा। सो यहां पे आर वन और ये आर टू दोनों सीरीज में है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस वील कॉल इट आर इक्विवेलेंट इज सिंपली आर वन प्लस आर टू। एंड इसको आप एन सेल्स के साथ भी लेके जा ही सकते हो। अगर आपके पास दो सेल नहीं है और एन सेल्स हैं, फॉर एन सेल्स इन सीरीज एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू प्लस टक 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 प्लस एप्सिलॉन एन, एंड आर इक्विवेलेंट इज आर वन प्लस आर टू प्लस टक 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 प्लस आर एन। अब मैंने आपको हेल्पिंग कंडीशन दिखा दिया, मैं आपको अपोजिंग कंडीशन भी दिखा देता हूं। अपोजिंग कंडीशन में एक सिंपल बात होगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहला सेल
आर वन, और ये रहा आपका दूसरा सेल। आई होप यू आर लुकिंग एट द पोलैरिटी। द पोलैरिटी मीन्स द साइन, द प्लस माइनस। अब अगर साइन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, नो इश्यूज, एप्सिलॉन टू वाला करंट किस डायरेक्शन में डालने की कोशिश कर रहा है? इन टूवर्ड्स द राइट, डू यू अग्री? ये इस तरफ करंट डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि एप्सिलॉन वन वाला किस डायरेक्शन में डालने की कोशिश कर रहा है? टूवर्ड्स द लेफ्ट। ओ माय गॉड, एक इधर डालने की कोशिश कर रहा है, एक उल्टा डालने की कोशिश कर रहा है। डोंट यू अग्री, बोथ करंट्स आर अपोजिंग ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट दीज टू बैटरीज आर सेट टू बी इन अपोजिंग कंडीशन, क्योंकि ये दोनों एक डायरेक्शन में करंट डालने की कोशिश नहीं कर रहे मिलके, चलो मिलके इसमें डालते, नहीं, ये वाला यहां जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो दोनों अपोज कर रहे एक दूसरे को, एंड एज अ रिजल्ट द नेट ईएमएफ एप्सिलॉन इक्विवेलेंट विल बी एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू, विच एवर इज ग्रेटर उस डायरेक्शन में जाएगा। एंड बट रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस का कोई पोलैरिटी नहीं होता, एज आई सेड। सो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट विल स्टिल रिमेन आर वन प्लस आर टू। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको, आप जब भी सीरीज में देखें सेल्स को, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सब हेल्पिंग कंडीशन में है या अपोजिंग कंडीशन में है या वॉट। एंड बेस्ड ऑन दैट आइडिया, जहां पे भी आपको लगे कि ये उल्टा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन सेल्स होते एंड एप्सिलॉन टू वाला ऐसा होता, बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव होते, तो एप्सिलॉन टू वाले की साइन चेंज हो जाती, यहाँ पे माइनस आ जाता, जबकि रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आता, वो सारे के सारे एड ही होंगे। इज दिस एब्सोल्यूटली अग्रीएबल पीपल? ओके, तो शैल वी मूव ऑन, लेट्स लुक एट पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। और पैरेलल में मैं एक स्पेशल केस दिखाऊंगा और एक जनरल सिनारियो भी दिखाऊंगा। हमने वो टाइप का जनरल सिनारियो जो है वो बोर्ड में हमने देखा था, जहां पे एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू ऐसे सब आते हैं, तो उनको देखा था। सो दिस वुड बी पैरेलल कनेक्शन एंड द फर्स्ट टेक वील लुक एट स्पेशल केस। स्पेशल केस में मैंने सारी बैटरियों का ईएमएफ सेम रखा है और सारे इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, ऑफ कोर्स एप्सिलॉन आर यू कैन सी आई हैव कनेक्टेड थ्री बैटरीज। मैं बाहर का कोई सर्किट नहीं बना रहा कि यहां से एक्सटर्नल रजिस्टर वगैरह, वो तो सब ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। यू कैन, अच्छा, यू वॉन्ट मी टू डू दैट, आई डू दैट, नो प्रॉब्लम्स, आप किसी के भी साथ लगा सकते हो। बट वॉट मैटर्स मोस्ट, इसका भी एप्सिलॉन है, इसका भी एप्सिलॉन है, इसका भी एप्सिलॉन है, एंड सबका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वर्कआउट हो चुका है। वॉट वुड बी द नेट ईएमएफ इन दिस सिनारियो? याद रखिएगा, अगर सब ईएमएफ सेम ही है बैटरी के, तो नेट ईएमएफ लेडीज एंड जेंटलमैन विल बी एप्सिलॉन एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप देखें तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस सारे जो है दे आर ऑल इन पैरेलल। सो आर 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 इन पैरेलल, मैंने आपको दिखाया था, याद है, अगर दो आर पैरेलल में तो इट्स आर बाई टू, तीन आर पैरेलल में तो इट्स आर बाई थ्री। सो आर इक्विवेलेंट इज सिंपली आर बाय थ्री। सो फॉर एन सिमिलर सेल्स इन पैरेलल, ये मैंने तीन लगाया, पर तीन ना हो के एन हो तो भी इसका एप्सिलॉन इक्विवेलेंट विल रिमेन एप्सिलॉन, वेयर एज आर इक्विवेलेंट विल बिकम आर बाय एन। इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल पीपल? ओके, और अब मैं स्पेशल केस छोड़ के अब जनरल सिनारियो दिखाने जा रहा हूं। एंड अच्छा सर, आपने करंट का कुछ बताया नहीं, अगर आप करंट चाह रहे थे तो करंट आई इज ऑलवेज नेट ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, एंड नेट ईएमएफ वुड बी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट एंड टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इसका, मैंने जो उड़ा दिया उसका, आर इक्विवेलेंट प्लस ये बड़ा आर। सो
कोई भी सिनारियो किस तरह भी का यू नो कनेक्शन हो, करंट आई इज ऑलवेज इक्विवेलेंट ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस विच इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस द एक्सटर्नल रेजिस्टर. ओके इफ यू वांट यू कैन जॉट दैट डाउन. एंड अब जनरल केस जहां पे सारे यू नो बैटरीज का ईएमएफ अलग अलग है, मैं पहले दो का लेके दिखाऊंगा आपको एंड देन वील यू नो लुक एट इट फॉर एन सेल्स बिकॉज यू ऑलरेडी सीन दिस इन योर बोर्ड आइडिया. आई एम नॉट डिराइविंग एनीथिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फाइनल इक्वेशन. तो सबसे पहली बात, अब ये दोनों अलग अलग है तो इसमें से I1 निकल रहा, इसमें से I2 निकल रहा और दोनों यहां मिलके I बन रहे हैं एंड दैट इज हाउ द थिंग इज मूविंग. तो इस सिचुएशन में जब ये दोनों अलग अलग है और दोनों पैरेलल में है तो व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. बाय द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस द फर्स्ट थिंग इन द मार्केट, ये R1 और R2 पैरेलल में, तो पैरेलल वाले का तो हम जानते ही है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. एंड एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज अ लिटिल डिफरेंट एज कंपेयर टू व्हाट एवर इक्वेशंस वी हैव सीन अप टिल नाउ, उसे थोड़ा सा अलग है ये. तो क्या है ये? अब जब इक्विवेलेंट ईएमएफ लेंगे तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का फंडा आएगा ही, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन 1 बाय आर 1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय आर 2. एंड आपको सिर्फ अगर एप्सिलॉन इक्विवेलेंट चाहिए तो यहां आर इक्विवेलेंट की इक्वेशन को रख दो एंड आपको आपका एप्सिलॉन इक्विवेलेंट मिल जाएगा. एंड करंट आई इज एज सिंपल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ओवर आर इक्विवेलेंट प्लस आर. दिस can be moved forward for n cells also. So for n cells, epsilon 1, epsilon 2, tak tak tak, epsilon n in parallel, so net equivalent resistance 1 by r equivalent is 1 by r1 plus 1 by r2 plus tak 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 plus 1 by rn, and epsilon equivalent over r equivalent is epsilon 1 by r1 प्लस एप्सिलॉन 2 बाय आर 2 प्लस अटैक प्लस एप्सिलॉन एन बाय आर एन. आर दीज इक्वेशंस परफेक्ट? नो प्रॉब्लम्स एट ऑल? ओके, तो इसको इस्तेमाल करते हुए मैं एक सम करने जा रहा हूं एंड कौन सा सम है ये लेट मी टेल या. लाया हूं मैं SP6 है, SP6 छह नंबर, पेज नंबर मुझे पता नहीं है बट आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट. SP6 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एंड लेट्स सी व्हाट द डेटा इज एंड व्हाट वी नीड टू डू. ओके सो बहुत ही बढ़िया चीज, सेल्स में बहुत मजा आता, नॉट एवरीवन विल अग्री दो. ओके सो व्हाट इज SP6? SP6 has a set of four cells, char cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 1.5 ohm. Hare ka epsilon EMF 2 volt hai aur internal resistance 1.5 ohm hai, are connected across an external load, load matlab resistor of 10 ohm with two rows, two cells in each branch. The current in each branch, I dash kehte hai current in each branch ko. And PD across the 10 ohm resistor is how much? Okay, let me first draw a diagram. Two cells in each row. Okie dokie. So, ye pratham. Ye duja. So, you can see mere paas 1, 2, 3, 4 cell ho gaye. Aur 4 iski internal resistance bhi ho gayi. And they are connected across 10 ohm. This is the 10 ohm. Key lagaya maine. And you are supposed to find the current through each branch. But of course, agar ye dono same hi hai, toh ye current, hum I bolte hai isko.
एंड दिस वुड बी इक्वल टू 2i, आई और आई 2i हो गए. नाउ यू नीड टू फाइंड द करंट फर्स्ट. एक काम करते हैं, इसको i रखते हैं क्योंकि मुझे i का ही काम है, और इसको i/2 कर लेते हैं, ठीक है ना, वो अच्छा रहेगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू सी दीज टू सेल्स इन सीरीज, एंड दो सेल्स सीरीज में हो, सो टू सेल्स आर इन सीरीज, सो एप्सिलॉन डैश इज एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन. कैन यू सी बोथ आर इन हेल्पिंग कंडीशन, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, व्हिच इज एप्सिलॉन कितना है 2, सो दिस इज 4 वोल्ट. एंड व्हाट विल बी योर इंटरनल रेजिस्टेंस, आर डैश, इट इज आर प्लस आर, 2R, 1.5, दैट इज 3 ओम. तो इफ आई वांट टू ड्रॉ अ न्यू सर्किट, तो दिस वुड बी एप्सिलॉन डैश, दिस वुड बी आर डैश, अगेन एप्सिलॉन डैश, नीचे वाले का भी सेम ही सिचुएशन है, आर डैश, एंड ये रहा आपका 10 ओम का रेजिस्टर. डू यू अग्री बोथ दीज आर इन पैरेलल नाउ, एंड एप्सिलॉन डैश इन पैरेलल, सो टू सेल्स, सिमिलर सेल्स इन पैरेलल. तो यहां पे बिकॉज दिस इज द लास्ट शॉट, आई विल कॉल इट एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज सेम एज एप्सिलॉन डैश. कितना होगा एप्सिलॉन डैश भाई, 4 वोल्ट. एंड व्हाट वुड बी आर इक्विवेलेंट, वोंट इट बी आर डैश पैरेलल में, तो आर डैश बाय 2, विच विल बी 3/2 ओम. एंड अब करंट फाइंड करने का है, करंट थ्रू द लोड. आई थिंक करंट के लिए हम सब रेडी हैं. क्या करने के लिए रेडी हैं, कुछ उड़ाना तो पड़ेगा, ऊपर वाला ब्लू कलर का उड़ा दूंगा. पर सबसे पहले आई इज एप्सिलॉन इक्विवेलेंट ओवर आर इक्विवेलेंट प्लस आर. भाई इतना नीचे नजर आ रहा है आप लोगों को? चलो अच्छा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कहां चुका, 4 वोल्ट. आर इक्विवेलेंट 1.5 प्लस 10, सो दिस इज 4/11.5. एंड अब मेरे को मजबूरी में कुछ ना कुछ तो उड़ाए का पड़ी. क्या आप अग्री करेंगे कि मैं इसको उड़ा सकता हूं? ओके डोकी. नहीं, इसको सर्किट को इतनी जल्दी नहीं उड़ाता हूं मैं, क्योंकि अपने को उसमें से पीडी भी फाइंड करना है, हर एक ब्रांच में भी फाइंड करना है. तो पहले करंट आई फाइंड कर लेते. तो 4/11.5, नाउ दैट इज बिकमिंग अ लिटिल डिफिकल्ट. तो एक काम करते हैं, 40/11.5 करके इंटू 10^-1 कर देते हैं. 40/11.5 11 3 33, तो 3 पॉइंट, एंड 33 के बाद 11.5 3 is 34.5, राइट? नहीं, कितना होता है? हाँ, 34.5. तो यहाँ पे 5.5 बचा, एंड 5.5 3.4 के आसपास पकड़ रहे हो, इंटू 10^-1, आई वोंट गो सो फार, 0.34 के आसपास या 0.35 के आसपास ये टोटल करंट है. तो यहां से तुमको पीडी अक्रॉस 10 ओम भी मिल जाएगा. आई थिंक आई रब दैट ऑफ दिस. मुझे करंट मिल चुका है 10 ओम के अक्रॉस, तो पीडी भी मिल ही जाएगा. सो पीडी अक्रॉस 10 ओम वी इज आई इंटू आर, विच इज 0.34 इंटू 10. करीबन 3.4 के आसपास का आंसर आ रही है, 0.34. सो वोल्टेज मिल चुका है 3.4-3.5 के करीब हो सकता है. एंड सेकेंडली यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच. कैन यू सी करंट थ्रू ईच ब्रांच इज आई बाय 2, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं. 0.17 के आसपास होना चाहिए करंट थ्रू ईच ब्रांच इज आई बाय 2, विच इज 0.34/2, करीबन 0.17 एम्पियर. थोड़ा ऊपर नीचे चेकिंग कर लो, बट समवेयर नियर दिस आइडिया हमारा आंसर बैठेगा. क्या हम सही जा रहे ले? परफेक्ट. सो इस तरह ये सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल का आइडिया वर्कआउट होता है. कोई शक?
कर्कोफ्स लॉज हमने बोर्ड में काफी विस्तार में किया था, हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा जल्दी निपटाएंगे. द फर्स्ट थिंग वी लुक एट इज अ जंक्शन. आई एम श्योर यू नो अ जंक्शन इज मोर देन टू कंडक्टर्स. अ पॉइंट वेयर मोर देन टू कंडक्टर्स मीट, दैट इज कॉल्ड अ जंक्शन. मोर देन टू कंडक्टर्स मीट मतलब मिनिमम कितने कंडक्टर्स चाहिए? तीन. दो चाहिए मिनिमम, ऐसा. सो दिस पॉइंट इज अ जंक्शन क्योंकि 1, 2, 3, 4 करंट्स मिल रहे हैं. बट दिस पॉइंट इज नॉट अ जंक्शन बिकॉज यहां पे सिर्फ दो कंडक्टर मिल रहे हैं. इन शॉर्ट जो भी करंट यहां आएगा वो सब नीचे उतर जाएगा. जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे करंट डिवाइड होता है या मिलता है. सो हियर एट अ जंक्शन करंट डिवाइड्स और मीट्स टुगेदर. सो जहां जिस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है या मीट हो रहा है उस पॉइंट को जंक्शन का नाम दिया जाता है. जहां पे करंट सिर्फ घूम जाता है, करंट में कोई डिवीजन नहीं आता, दैट पॉइंट इज नॉट अ जंक्शन. द फर्स्ट लॉ इज कर्कोफ्स करंट लॉ पर्टेनिंग टू अ जंक्शन. कर्कोफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, और माई फेवरेट केसीएल. केसीएल में कर्कोफ ने एक बहुत सिंपल बात करी कि जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए. एज सिंपल एज इट गेट्स. यू अंडरस्टैंड दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो सपोज I1 इज हेयर, I2 इज हेयर, I3 इज हेयर, I4 इज हेयर एंड I5 इज हेयर. यू कैन सी I1 एंड I4 आर कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, whereas I2, I3 and I5 are going away from the junction. So according to Kirchhoff's first law, total current entering the junction has to be equal to total current leaving the junction. And as a result, bhai total current kitna enter ho raha hai? I1 plus I4. And this is equal to, what is the total current leaving? I2 plus I3 plus I5. Okay, so I2 plus I3 plus I5. This is your chief equation. And agar aap chaho, to aap ye I2, I3, I5 ko ye side bhi le sakte ho. And as a result, you can write I1 plus I4 plus minus I2 plus minus I3 plus minus I5. Is equal to zero, or the sum total of all currents at any junction is equal to zero. जिसमें enter होने वाले currents को आपने positive लिया है and junction से बाहर जाने वाले currents को you have taken negative. This is according to the law of conservation of charge, जो कहता है कि charge can never be accumulated or destroyed at a junction. जितना charge आ रहा है वो सारा चार्ज उतना ही चार्ज बाहर निकलना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. सो दिस इज कर्कोफ्स करंट लॉ व्हिच इज इन ओबेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लेट्स मूव फोर्थ एंड लेट्स लुक एट व्हाट इज अ लूप एंड लेट्स लुक एट द सेकंड लॉ व्हिच इज अ लूप लॉ. एंड वो वही कहता है लूप लॉ, भाई लूप लॉ. तो हम लूप ले लेते हैं, फिर वो इतना चिल्ला के बोल रहा है कि भाई लूप लॉ, तो भाई लूप ले लेते हैं. लूप इज अ क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट. ओके, सो व्हाट इज अ लूप? इट इज अ क्लोज्ड पाथ कंप्राइजिंग ऑफ रेजिस्टर्स, बैटरीज एक्सेट्रा, सेल्स एक्सेट्रा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर ट्रैवलिंग अक्रॉस अ लूप, the point from where we start has to be the point where we end. So agar hum point A se shuru kar rahe hain, usse B C D wapis humko A pe aana hai, tabhi aapka loop sampann hoga,
तभी आपका लूप माना जाएगा। अगर आप ए बी सी डी जाते हो तो दिस इज नॉट अ लूप, इट्स अ पाथ, यू कैन नॉट कॉल इट अ लूप। सो लूप लेने के लिए आपको जिस पॉइंट से शुरू किया है उसी पॉइंट पे आपको वापस आना है। एंड करकोफ का सेकेंड लॉ प्रिसाइसली हमको वही कहता है कि अक्रॉस अ लूप, वी कॉल इट करकोफ्स वोल्टेज लॉ ऑल्सो और करकोफ्स लूप लॉ ऑल्सो। इट सेज वी ट्रेवल अक्रॉस द लूप, द टोटल सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स ऑफ द बैटरीज हैज टू बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स दैट इज अक्रॉस द रेजिस्टर्स विच इज आई आर, एंड दिस ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो दिस इज द आइडिया, इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड इसी तरह आगे बढ़ते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बीइंग यहां पे साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी हो जाता। अगर मैं ईएमएफ के थ्रू बैटरी के थ्रू जा रहा हूं तो क्या साइन लूंगा ईएमएफ की, अगर मैं किसी रेजिस्टर के थ्रू जा रहा हूं तो क्या साइन लूंगा पोटेंशियल ड्रॉप की। सो दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। आई एम श्योर यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द साइन कन्वेंशन। नाउ फर्स्ट across resistors, if we move through a resistor in the direction of current, you know the potential drop across a resistor is IR, then IR will be taken by in the direction of current hai, toh IR has been taken negative. And if we move opposite to the direction of current, IR will be positive, absolutely no doubt whatsoever. Okay, and agar kisi cell ke through chalte hain, तो सेल में तो बहुत ज्यादा मजा आता है उसमें चलते हुए, क्योंकि उसमें बुरा टर्मिनल आता है, अच्छा टर्मिनल आता है, क्या क्या आता है न जाने जाने। अक्रॉस सेल्स, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट अक्रॉस अ बैटरी, इफ वी गो, यू नो इसमें करंट के डायरेक्शन का कोई दरकार है नहीं, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट यह है कि कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है। इफ वी गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, EMF is taken negative. अच्छे से बुरा, तो it is बुरा. And if we go, इसका vice versa perfect है, from negative terminal to positive terminal, EMF is taken by बुरे से अच्छा, is अच्छा. तो ये दो चीजों के साथ हम करकोफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ लगाएंगे, एंड वी शैल वर्क आउट द वेरियस करंट्स एक्सेट्रा इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और विच वी कॉल सर्किट। सो आर यू रेडी टू रोल, आर यू रेडी? अच्छा, अगर आप रेडी हैं तो मैं चाहूंगा आप एक नंबर पे ध्यान दें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एटलीस्ट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आइडिया। एंड मैं करने जा रहा हूं नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल वन। पीपल आई एम लुकिंग एट एग्जाम्पल नंबर वन, बहुत बढ़िया। नहीं, सबसे पहले एग्जाम्पल वन नहीं करते, पहले SP13 करते हैं। पीपल लेट्स डू SP13 फर्स्ट, ओके? SP13 पहले करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल वन करते हैं। एग्जाम्पल वन ही बोला ना मैं, हाँ। So we are 13. Okay. Now understand this. SP13 is totally text. और वो ये कह रहा है two cells of EMFs 2 volt and 1 volt. So epsilon 1 is 2 volt, epsilon 2 is 1 volt.
and internal resistances 1 ohm and 2 ohm respectively have their positive terminals connected by a wire of 10 ohm. तो मैं सर्किट अब इस डेटा में से धीरे धीरे बनाने की कोशिश में हूं. ये आपका एप्सिलॉन 1 है और ये आपका एप्सिलॉन 2 है. ये आर 2 है, ये आर 1 है. और ये जो वायर है ना उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम. देयर नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय वायर ऑफ 4 ओम. ओके, तो ये जो आपका वायर है ये 4 ओम का है. अनदर कॉइल ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड बिटवीन द मिडल पॉइंट्स ऑफ दीज वायर्स. ओ, तो इन दोनों के बीच में ये 10 ओम किया हुआ है कनेक्ट. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर इज. ओके भाई, अब ये जो 10 ओम है और 4 ओम है लिखा तो है हमने पर बनाया नहीं है. तो मैं ये 10 ओम को, डोंट यू अग्री, ये जो ये रेजिस्टर है ये 10 ओम को दो टुकड़ों में डिवाइड करता है. तो हर एक टुकड़ा कितने का होगा? 5 ओम ईच. एंड ये जो वायर है ये 4 ओम को दो भाग में डिवाइड कर रहा है. सो 4 ओम डिवाइडेड इक्वली बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 2 ओम, 2 ओम ईच, 4 ओम गोज अवे. माय सर्किट इज रेडी बेस्ड ऑन द डेटा दैट वाज गिवन इन द सम एंड वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस. ओके, तो भाई सबसे पहली बात, करंट ट्रेसिंग करना पड़ेगा अपने को. एंड करंट ट्रेसिंग करने के लिए सबसे बड़ी बैटरी को देखा जाता है. भाई यहां पे दो बैटरीज हैं, एक 1 वोल्ट की एक 2 वोल्ट की है. विच इज द बिगर बैटरी? 2 वोल्ट. सो 2 वोल्ट में से मैं करंट शुरू करता हूं, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में से आई कॉल इट आई. बट मैंने सर्किट को कोई नाम नहीं दिया है. सो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एंड एफ. नाउ आई विल ट्रेस द पाथ ऑफ दिस करंट. ये आई उतरा नीचे, उतरा नीचे, इसके थ्रू आया एंड इट रीच पॉइंट बी. डू यू अग्री पॉइंट बी इज ए जंक्शन? एंड जंक्शन पे करंट अब दो भाग में डिवाइड होने वाला है. आई विल कॉल दिस आई वन एंड फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आई विल कॉल दिस आई टू. सो ये आई टू गया गया गया, बैटरी आई डजेंट मैटर, गया गया गया. ये आई वन आया आया आया, वापिस ये दोनों यहां मिले, हेलो हाउ आर यू. और आई वन और आई टू मिलके कितना हो गया? आई. और ये आया आके इसके नेगेटिव टर्मिनल में घुस गया. डू यू अग्री माई करंट ट्रेसिंग इज कंप्लीट? ओके, द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आई विल अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन बी. तो KCL एट जंक्शन बी वुड गिव मी आई इज इक्वल टू, करंट कितना आ रहा है जंक्शन बी पे? आई. और निकल कितना रहा है? आई वन और आई टू. सो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू. अब मैं लूप लूंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ आई वन यूजिंग माई इक्वेशन. सो लेट अस फर्स्ट अप्लाई द लूप KVL टू लूप ए एफ ई बी ए. एफ ई बी एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन मैं जिस पॉइंट से शुरू करता हूं उसका पोटेंशियल यहां लिख देता हूं. तो इट इज वी ए. अब आगे बढ़ा, बैटरी आई, उसका पॉजिटिव टर्मिनल मुझे पहला नजर आ रहा है. तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, अच्छे से बुरा. इजंट इट बुरा? फेयर एनफ, अच्छे से बुरा, इट्स बुरा. सो माइनस 2 वोल्ट. आगे गया, रेजिस्टर आया आर वन, उसके अक्रॉस करंट है आई. सो आई आर वन, अच्छा आई शुड हैव रिटन हियर एप्सिलॉन 1, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. एंड बिकॉज आई एम गोइंग लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस, आई एम मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो आई आर इज पॉजिटिव. सेम हियर, 2 एंड आई करंट इज पासिंग थ्रू इट, तो इट विल बी 2i. एंड अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो प्लस. यहां जा रहे 10i1, दैट्स अ पोटेंशियल ड्रॉप. एंड अगेन वी आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इट इज पॉजिटिव. अगेन 5i, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पॉजिटिव. एंड आई हैव रीच्ड पॉइंट ए, तो इट इज वी ए. हाँ, एज अ मैटर ऑफ फॉर्मैलिटी ये दोनों कट हो जाएंगे. एंड ये एप्सिलॉन 1 कितना है बाबू जी? माइनस 2. आर 1 कितना है? 1. सो प्लस आई प्लस 2 आई
प्लस 10i1 प्लस 5i इज इक्वल टू जीरो. भाई गिव मी एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ i1 एंड i. i प्लस 2i दैट्स 3i, 3i प्लस 5i 8i प्लस 10i1 इज इक्वल टू 2. I have got my equation number 2. And now let's apply KVL to B, E, D, C, B. KVL to loop. Right. तो मैंने पहला लूप ये ले लिया A, F, E, B, A. अब मैं दूसरा लूप लेने जा रहा हूं B, E, D, C, B. B, E. डी सी बी. तो एज इज यूजल पहले मैं वी बी लिखूंगा, बी से ही चलना है. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई आर इज नेगेटिव सो माइनस 10i1, फिर उतरे 2i2 ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट तो पॉजिटिव, गए आगे 2i2 अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड बुरे से अच्छा, भाई बुरे से अच्छा इज वॉट अच्छा, एंड अगेन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट 5i2 एंड पहुंच गए हम बी पे तो इट इज इक्वल टू वी बी. बूम बूम. तो भाई देखो क्या आंसर आ रही है, माइनस 10i1 i2 तो 2 प्लस 2 4, 4 एंड 5 इज 9 तो प्लस 9i2 इज इक्वल टू ये 1 को यहां लेके जा रहा हूं तो माइनस 1. बट झोल ये है कि यहां पे हम i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 यहां लगा सकते हैं. सो पुट 1 इन टू सो 8 ब्रैकेट में i1 प्लस i2 तो मैं खोल दूंगा तो 8i1 प्लस 8i2 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 2. सो हाउ मच डज इट बिकम भाई, 18i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 2. अब इनमें से ये आ गए मेरे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस i1 और i2 में. मुझे i1 चाहिए क्योंकि मुझे पीडी अक्रॉस 10 ओम निकालना है तो इट इज 10i1 तो मुझे i1 चाहिए. i2 को मुझे उड़ाना पड़ेगा. हाउ डू आई डू दैट, आई मल्टीप्लाई दिस बाय 8 एंड आई मल्टीप्लाई दिस बाय 9. डू यू अग्री आई कैन डू दैट? थैंक यू फॉर नॉट सेइंग एनीथिंग. यस सर. ओके, 10 8s आर 80 माइनस 80i1, 9 8s आर 72 सो प्लस 72i2 and 8 ones are 8, it's minus 8. Ab 18 nines are, how much is 18 nines are? 152, na 162? Yeah. Hai na? 18 nines are 72, yes 162. And 8 nines are 72. And 9 twos are is 18. In sab ko minus mein daalo, dhach, dhach, dhach. माइनस 80 माइनस 162 इज माइनस 242. i1 ये तो उड़ गया. माइनस 8 माइनस 18 हाउ मच इज दैट, माइनस 26. ओके, ये माइनस माइनस कट के मुझे i1 की वैल्यू मिल जाएगी. मैं ये उड़ा रहा हूं ये साइड. ओ यस सर. एंड सो माय i1 I will not venture to find its value क्योंकि that is not my prime concern. जी जी जी. So the PD across 10 ohm V is 10 into I1. So this is 10 into 26 by 242 and 10 into 26 that's 260 by 242. करीबन 1.1 के आसपास मैक्सिमम होना चाहिए. करीबन, नॉट मोर देन दैट, नॉट इवन 1.1. हाँ चल जाएगा, 1.1 के आसपास चल जाएगा, नो प्रॉब्लम. कहाँ अभी डिवाइड करने बैठेंगे, कहीं कहीं चल जाएगा ये मैटर. क्या ये ठीक है? दिस इज ओके, लुकिंग गुड. अब मैं करने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1. कैन आई टेक इट ऑल ऑफ नाउ? Want to have a look? Okay. So example 1 is on the deck. Example 1 is interesting. क्योंकि इसमें डायग्राम दिया हुआ है सो
वी आर नॉट इन एनी फिक्स एज द वर्ड गोस. यस सर. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूटली. आप एक ब्रांच में आई वन, दूसरे में आई माइनस आई वन भी कर सकते हो, बस आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए. आपको कंफर्टेबल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन एब्सोल्यूटली डू दैट. एग्जाम्पल वन क्या कहता है, लेट अस सी. एज शोन, सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं, फिर बाकी का काम बाद में देखेंगे. तो दिस इज द सर्क्यूट. भाई आप सर्किट बनाने जाओ तो भी केयरफुल हो, जरा भी मिस्टेक ना होने पाए, नहीं तो अगर सर्किट गलत बन गई ना तो फिर आंसर में भी सब झोल झपाट हो जाएंगे, अंदाजा नहीं बैठेगा आंसर कहाँ चला गया. सो ये 3 ओम है आपका, इसको उन्होंने ई का नाम दिया है, ये 1 ओम है, दिस इज 12 वोल्ट एंड दिस इज आर. ओके, मैं करंट्स बना रहा हूँ जैसा डायग्राम में दिया हुआ है. दिस इज I, this is 1 amp, this is 2 amp, and let me name the circuit now. A, B, C, D, E, and F. Okay. क्या कहता है? Shown a 12 volt power supply with an unknown internal resistance R is connected to a battery of unknown EMF E and internal resistance 1 ohm and to a 3 ohm resistor carrying current of 2 ampere. Current through the battery is 1 ohm in the direction shown. Okay. क्या चाहते हैं? The internal resistance and EMF E is. Okay. तो भाई सबसे पहली बात मुझे लगता है ये I को find करने में Kirchhoff current law काफी कारगर सिद्ध होगा. So apply KCL at junction E. Can you see I current आ रहा है and 1 amp and 2 amp निकल रहे हैं. Is this okay? So सबसे पहला value हमको मिला, what is the value of I? That is 3 amp. So we are all very happy to get I as 3 amp. Now अगर तुम workout कर रहे हो, कोई भी loop ले लो and let's work it out. एक काम करते हैं, मैं पहले लूप लेता हूं ए सी डी एफ ए. इस लूप में सिर्फ आर अननोन होगा, बाकी सब नोन होंगे, तो उस हिसाब से आर मिल जाएगा. सो केवीएल टू लूप ए सी डी एफ ए. मैं वीए वीए नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधा आगे चला 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 चला, यहां 3 ओम. भाई कितना करंट आ रहा है उसके अक्रॉस? 2 एम्प. So 3 into 2. जी जी छोटा इस तरफ आएगा, मतलब बैटरी की पोलैरिटी उल्टी है. सबसे पहले चेक करते हैं, एग्जाम्पल वन है ना. अच्छा, बैटरी की पोलैरिटी उल्टी है. ओके, अच्छा दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, इजंट इट? ओके, दूसरे वाले की ठीक है ना. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच. तो बड़े बड़े देशों में कभी कभी लोचा हो जाता. तो ए सी डी एफ ए कहाँ गया, कहाँ गया, क्या गया? ए सी डी एफ ए. तो ए से सी चला 3 ओम इंटू 2 एंड वी आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो पॉजिटिव. चक 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 ये आ रहा है आई इंटू आर. सो 3 एम्पियर इंटू आर, ऑपोजिट आ रहा है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव. एंड अच्छे से बुरा भाई, अच्छे से बुरा, बुरा बुरा हो गया. 3 2 6 प्लस 3 आर माइनस 12 इज इक्वल टू 0. 6 माइनस 12 इज माइनस 6 एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू
आर इज इक्वल टू 2 ओम, पहला आंसर मिल गया। अच्छा अब तुम चाहो तो इसको ले सकते हो, पर मैं बी सी डी ई बी में लेता हूं, केवीएल टू लूप बी सी डी ई बी, 3 ओम इंटू 2 एंड वो भी ऑपोजिट जा रहा है, तो प्लस 1 ओम इंटू 1 एंड इन द डायरेक्शन जा रहा है तो नेगेटिव, एंड बुरे से अच्छा इज, अच्छा चलो भाई 3 2s are 6 माइनस 1 प्लस ई इज इक्वल टू 0, ओ 6 माइनस 1 इज 5 प्लस ई इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है ई नेगेटिव में आ रहा है, मतलब हमने जो ई की पोलैरिटी यूज करी है, जो डायग्राम में पोलैरिटी दी है वो गलत है, पर अपने को कुछ नहीं करना, आंसर अपना आर का 2 ओम है और ई का माइनस 5 वोल्ट है। कैन एनीवन चेक दैट आउट, इज दैट अग्रीएबल? बराबर है, सो दैट इज अग्रीएबल। आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट अस गो ऑन टू द आइडिया ऑफ जूल हीट या जूल इफेक्ट, बहुत ही बढ़िया चीज होती है। यू नो व्हेन एवर करंट पासिस, ये फर्स्ट थिंग देखा था जूल ने, व्हेन एवर करंट पासिस थ्रू अ रेजिस्टर हीट एनर्जी इज लिबरेटेड, दिस हीट एनर्जी इज कॉल्ड जूल हीट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल इफेक्ट। तो अब जूल इफेक्ट के साथ बेस्ड वेरियस इक्वेशंस के साथ हमारा पाला पढ़ने वाला, सो द फर्स्ट थिंग वी विल राइट डाउन इज जूल इफेक्ट, ये हमने विस्तार में देखा था इसमें अपना बोर्ड में, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ रेजिस्टर हीट एनर्जी इज लिबरेटेड, दिस इज कॉल्ड जूल हीट एंड द इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी बींग लिबरेटेड इज कॉल्ड जूल इफेक्ट। इन अ वेरी सिंपल सर्किट आई कैन शो यू दिस, तो जैसे करंट यहां से पास होता है रेजिस्टर के थ्रू, हीट एनर्जी यहां लिबरेट होती है। ये हीट एनर्जी आती कहां से? यू नो जब करंट पास होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है दे कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस, एंड पॉजिटिव आयंस दे आर फिक्स्ड एट द लैटिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करता है ना वो अपनी सारी एनर्जी इस पॉजिटिव आयन को दे देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाता है और वो सारी एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली द थर्मल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस, थर्मल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर व्हेन दे कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग विद अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इनकी एनर्जी है, एंड इस एनर्जी का इक्वेशन मैं आपको दे दूं, हीट एनर्जी H इज इक्वल टू वी आई टी लिख सकते हैं, या आई स्क्वेयर आर टी लिख सकते हैं, या वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हो, बात तो वही है, ओम्स लॉ के जरिए ही आ जाते हैं। सो हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, हीट एनर्जी गिवन आउट पर यूनिट टाइम, जिसे आप पावर भी कह सकते हैं, वही टाइम निकाल दो, सो पावर इज एच अपॉन टी, हीट एनर्जी अपॉन टाइम, सो पी कैन बी रिटन एज वी आई, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई स्क्वेयर आर, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी स्क्वेयर बाय आर, बट हियर इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म एज वी नो इट। यू नो मैं आपको ये नोट में देना चाह रहा हूं,
हमने ये आइडिया देखा था उसमें, यू नो जब बोर्ड में देखा था तो हमने ये तीन इक्वेशन ले लिए थे, पर हमने कुछ उसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, कोई न्यूमेरिकल था नहीं इस आइडिया को रिलेट करता हुआ, पर यहां पे न्यूमेरिकल आएंगे, सो वी विल हैव टू जुडिशियसली यूज ईच इक्वेशन कि कौन सा इक्वेशन कौन सी चीज में काम आएगा. सो आई विल पुट दिस डाउन एज अ नोट एंड यू काइंडली नोट डाउन द नोट. नोट में नंबर वन, फॉर अ सेल और अ बैटरी द पावर डिलीवर्ड, पावर गिवन टू द सर्किट विल बी पी इज इक्वल टू वी आई या पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई. सो दिस इक्वेशन पर्टेन्स टू पावर डिलीवर्ड बाय अ सेल और अ बैटरी ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन एंड थ्रू विच करंट आई इज पासिंग. नंबर टू, पावर रेटिंग, मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम बिताऊंगा, फॉर अ बल्ब हीटर एक्सेट्रा, यू नो दिस इज पावर रेटिंग का इक्वेशन, पी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर. जब भी कोई बल्ब या हीटर या ऐसी कोई बात चलेगी तब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर आपने बल्ब देखा है, भाई बल्ब तो देखा ही है सर, क्या कहना चाह रहे हो? आपको पता है बल्ब के ऊपर लिखा होता है 60 वॉट या 100 वॉट या 40 वॉट, तो उसको रेटिंग कहते हैं. बल्ब की रेटिंग है 60 वॉट 220 वोल्ट, दिस इज कॉल्ड पावर रेटिंग. दिस इज पावर, दिस इज द वोल्टेज. इस टर्म का मतलब यह है कि इफ यू यूज दिस बल्ब एट 220 वोल्ट, इट विल गिव यू अ पावर ऑफ 60 वॉट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? रेटिंग का मतलब समझ में आया? अगर बल्ब का रेटिंग है 60 वॉट 220 वोल्ट, इसका मतलब है अगर तुम बल्ब को 220 वोल्ट पे इस्तेमाल किए तो इट विल गिव यू अ पावर ऑफ 60 वॉट. ओके, दिस इज कॉल्ड पावर रेटिंग. बल्ब हीटर वगैरह इन सब में यूज होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर ये आ गया, ये आ गया, स्क्वायर आर रह गया. भाई जब भी कोई तुमसे कहे हीट एनर्जी लॉस्ट या हीट एनर्जी कंज्यूम्ड, लॉस्ट या कंज्यूम्ड इज ऑलवेज आई स्क्वायर आर. सो नंबर थ्री, पावर लॉस्ट और कंज्यूम्ड एज हीट, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. पावर कंपनियों को यही चीज का सबसे बड़ा डर होता है, एज अ रिजल्ट बहुत हाई वोल्टेज पे पास करते हैं ताकि करंट कम हो सके और केबल्स में ये हीट लॉस कम से कम रखा जा सके. सो दीज थ्री इक्वेशंस आर टू बी यूज इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एज यू कैन सी हियर. यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू प्लीज राइट दिस डाउन कि ये किस में यूज होगा, किस में यूज होगा, क्या होगा करके. भले तीनों इक्वेशन एक दूसरे के ही चट्टे बट्टे हैं, बट इन तीनों को यूज अलग अलग सिनारियों में किया जाता है. ओके, तो अगर ये हो चुका हो तो मैं दो टूक बातें और करना चाहूंगा. हैव यू जॉटेड दिस डाउन? बराबर, ओके, यस यस, ओह यस, वेरी वेल वेरी वेल, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू रिमेंबर इट. अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को थोड़ा अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा आपको. नाउ सपोज आई हैव गॉट टू डिवाइसेस, दिस वुड बी नंबर फोर. वी हैव टू डिवाइसेस हैविंग पावर रेटिंग्स या हैविंग पावर P1 एंड P2. मेरे पास दो डिवाइसेस है, सपोज एक बल्ब है और दूसरा हीटर है. बल्ब का पावर P1 है, हीटर का पावर P2 है. नाउ इफ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? सो इक्विवेलेंट पावर, ध्यान से देखिएगा, 1 by PS is 1 by P1 plus 1 by P2. And for n such devices in series,
फॉर एन सच डिवाइसेस इन सीरीज वी विल एक्सट्रापोलेट दिस 1/PS इज 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस टक 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 प्लस 1/PN. तो अगर तुमको दो बल्ब सीरीज में लगा दिए हो तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट पावर, इट विल बी 1/PS इज 1/P1 प्लस 1/P2. पर अगर दोनों को पैरेलल में लगा दिया हो तो इफ बोथ आर इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट पावर, पावर इन पैरेलल आई कॉल इट पीपी, इट इज P1 प्लस P2. वाओ, सिंपल, simplicity itself. And for n such devices in parallel, anybody giving me the final expression, PP is P1 plus P2 plus tak 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 plus PN. I would like to tell you one more thing about electrical power. I hope you remember humne last year hi kiya tha one unit. When 1 kilowatt power is used, 1 kilowatt of electrical power, is used for 1 hour, then the electrical energy consumed is called 1 kilowatt hour. Or you can also call it one unit. Do you remember this stuff that we did last year? 1 kilowatt power is used for 1 hour. Then the electrical energy utilized is called 1 kilowatt hour or one unit. So one unit. Can I take this off, please? This one. What's here? Is that a good copy? Yes, sir. Okay, so I am taking it off now in a jiffy. Anybody remembers the value of one unit? One unit kitne joule hota hai? 3.6. Very good. 1 kilowatt hour is 1000 watt into 1 hour, that's 10 raised to 3, into 1 hour is 3600 second, so this is joule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 1 kilowatt hour or 1 unit is 3.6 into 10 raised to 6 joule, okay, acha, suppose, consider अ बल्ब, ये सब उसके छोटे छोटे पॉइंट्स है, हैविंग पावर रेटिंग, अच्छा वो खत्म हो गया इलेक्ट्रिकल वाला, हैविंग पावर रेटिंग P, V. आपको पावर रेटिंग का मतलब तो मैं समझा ही चुका हूं. पावर रेटिंग का मतलब है कि अगर इस बल्ब को मैं वोल्टेज V पे यूज करता हूं तो इट विल गिव मी अ पावर P. बट सपोज इफ वी यूज this bulb at potential difference V dash, भाई मैं इसको V पे नहीं V dash पे use करता हूं तो कितना power देगा मुझे. अच्छा आपको याद है power rating का equation, P is V square by R. भाई power rating है साहब, VI तो battery का था, and as a result यहां से मुझे R क्या मिलेगा, isn't it V square by P. डू यू अग्री, चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी वोल्टेज पे आप यूज करो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, है ना, कुछ भी हो जाए चाहे रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम. एज अ रिजल्ट, एज आर रिमेन्स सेम, सो यू कैन राइट आर एज वी स्क्वेयर बाय पी which is same as V dash square by P dash. Here P is the power at voltage V,
देन पी डैश इज द पावर एट वोल्टेज वी डैश. मुझे पी डैश में इंटरेस्ट है तो इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लूंगा. सो पी डैश इज पी वी डैश स्क्वायर बाय वी स्क्वायर एंड एज द रिजल्ट पी डैश इज पी इंटू वी डैश बाय वी द होल स्क्वायर. यू नो इन अ वेरी स्मॉल एमसीक्यू लेट मी से फॉर एग्जाम्पल बल्ब है जिसका पावर रेटिंग है 60 वॉट 220 वोल्ट. ओके आई हैव द बल्ब हैविंग पावर रेटिंग 60 वॉट 220 वोल्ट एंड वी यूज इट एट वी डैश इज इक्वल टू 110 वोल्ट. कितना पावर अवेलेबल होगा? सिंपल ये इक्वेशन लगा डाला आंसर इज झिंगा लाला पीपल. पी डैश इज पी वी डैश बाय वी द होल स्क्वायर. पावर कितना है भाई? 60. वी डैश नया वोल्टेज कितना? 110. जूना कितना? 220. 110 बाय 220 इज 1 बाय 2 एंड 1 बाय 2 द होल स्क्वायर इज 1 बाय 4. वेरी वेल वेरी वेल. सो द न्यू पावर पी डैश इज 15 वॉट. ओके क्या ये बात क्लियर है? प्लीज ये बोर्ड पे जो भी सारी चीजें हैं वो सब इंपॉर्टेंट है. मैं चाहूंगा आप चीजों को लिख लें. ओके जी हो सकता है वी डैश वी से बड़ा हो सकता है. तो बल्ब फूट जाएगा बेटा. बल्ब फूट जाएगा क्योंकि एक इसका इधर से तू करंट मैक्सिमम करंट भी निकाल सकता है. जैसे P इज इक्वल टू वी आई तो I इज इक्वल टू P बाई वी तो इससे तू मैक्स करंट भी निकाल सकता है. अगर इस करंट से ज्यादा फ्लो हुआ ना बल्ब में बम फूट जाएगा. बराबर. डू यू नो P इज इक्वल टू वी आई? कैन आई टेक दिस ऑफ? जी फॉर अ बल्ब पावर रेटिंग इज पी इंटू वी. मैक्स करंट दैट कैन पास या दैट दिस बल्ब कैन टॉलरेट दैट कैन पास थ्रू दिस बल्ब आई मैक्स इज इक्वल टू यू नो पी इज इक्वल टू वी आई तो आई इज इक्वल टू पी बाय वी. And if current becomes more than I max, yeah, I becomes more than I, then the bulb will fuse. Okay, this is looking good. No problems. ओके आई एम टेकिंग दिस ऑफ. मैं करने जा रहा हूं कौन सा नंबर बताऊं आपको मैं? यू नो एक साधारण नंबर करने जा रहा हूं SP16. SP16 अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए. और फिर राउंड टू का 24 भी करने जाऊंगा मैं. डू वी हैव दैट मच टाइम? व्हाट से हाउ मच टाइम डू वी हैव? अ कपल ऑफ मिनट्स हियर. आई थिंक आई विल डू राउंड टू का 24 फर्स्ट. Round 2 का 24 is looking good. Even you can do it in a jiffy. एकदम फाटाफाटी. Okay, round 2 का 24 data फटाफट लिख देते हैं. क्या है? A housewife uses a 100 watt bulb. Bulb जो है वो 100 watt है. और कितने घंटे के लिए? 8 hours a day. एंड दूसरी चीज है हीटर. कितने वॉट का हीटर है? 300 वॉट का. एंड 4 आवर्स अ डे. सो टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून बिल कितना आता है? फॉर जून 0.5 रुपीज. उसमें 0.05 लिखा होगा पर यूनिट उसका भाड़ा है. तो हमको ये फाइंड करना है कि कितने यूनिट खर्चा हुए होंगे. ओके एक काम करते हैं, एक दिन में कितना पावर यूज होता है, कितनी एनर्जी यूज होती है वो देखते हैं. एनर्जी
यूज्ड इन वन डे. Isn't that energy equal to energy used by bulb plus energy used by heater? And energy find करने के लिए power into time. तो P1 T1 plus P2 T2. भाई कितना power है bulb का? 100 watt. And कितना time के लिए use होता है? 8 घंटे. कितना power है heater का? 300. And कितने घंटे? 4. So this is 800 plus 1200, that is 2000 watt hour. भाई यहां 1000 को मैं किलो लिख सकता हूं. So energy used in one day is 2 kilowatt hour या 2 units. एक दिन में 2 यूनिट इस्तेमाल होता है. भाई जून में आई थिंक 30 डेज होता है ना. जून हैज 30 डेज. So total number of units used in June, E dash is 30 times E, which is 30 into 2, and that is 60 units. पर हमको सिर्फ units नहीं find करना है, bill भी find करना है. भाई एक unit का कितना रुपया ले रहे हैं? 50 पैसा, क्या बात है. So total bill, वाह वाह वाह, फॉर जून इट इज वेरी आउटडेटेड डेटा, ऑब्सोलीट डेटा. बिल इज 60 यूनिट्स इनटू 0.5 रुपीस पर यूनिट, एंड 60 इनटू 0.5 इज रुपीस 30. सो बिल इज रुपीस 30. 30 रुपया बिल आया है, भर दो फटाफट. ओके, सो ये हो गया आपका राउंड 2 का 24. और मैं जो करने जा रहा था वो है राउंड, वो राउंड नहीं है, वो क्या है, SP16. लवली नंबर SP16. आई थिंक द लास्ट थिंग फॉर द डे एंड देन वी आर डन. सॉरी, भाई ये भाव भी तो कमी है, 50 पैसा पर यूनिट कहाँ है सर. 8.5 रुपया है पर यूनिट आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंटायरली. सो दिस इज SP16, प्राइमरली अ कैलकुलेटिव आइडिया. SP16 में दो चीजें, एक तो हीटर है, एंड हीटर का क्या पावर रेटिंग है? 500 वॉट 220 वोल्ट. एंड बल्ब है, ये बल्ब और हीटर ही चलते रहते हैं संसार में, 100 वॉट 220 वोल्ट. Both are connected in series. Okay, जी, series में लगाया ला है to a 220 volt mains. The power consumed by heater, power consumed by heater कितना find करना है, and power consumed by bulb कितना है वो find करना है. Okay, सबसे पहले तो resistance find करना पड़ेगा. तो for heater, P is equal to V square by, या pH is VH square by RH. So RH is V square by pH. V कितना है भाई? 220 का स्क्वायर ओवर पावर कितना है? 500. थैंक गॉड फॉर 500. नाउ 22 का स्क्वायर इज 484 एंड 00 ओवर 500, एंड यू कैन कट दीज टू ऑफ एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई टू. सो नीचे ये 10 आ जाएगा, एंड 4 2 8 8 2 16 4 2 8 1 9 96.8 ओम. ये पहला आया. दूसरा, अब बल्ब का वील कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. पी बी इज वी स्क्वेयर बाय आर बी. सो आर बी, नाउ इफ somebody कैन टेल मी, वी तो 220 का स्क्वायर ही है. How much is PB? पाव भाजी 100. So 48400 upon 100. Wow, the story has been cut really short. 484 ohm. अब दोनों को सीरीज में लगाया है. Both are in series. So what is the current passing? मतलब बल्ब भी है, रजिस्टर, दोनों सीरीज में 220 वोल्ट के साथ. तो करंट इन द सर्किट
I is V over resistance of bulb plus resistance of heater. That is 220 over bulb का कितना है 484 and इसका कितना है 96.8. So 484 plus 100 584 लगभग 580 के आसपास 580.2 है ना. आई थिंक सो इज इट 580.8 या 580.8. सो 220 बाय 580.8 इतना करंट पास हो रहा है. पर हमको करंट नहीं चाहिए, हमको पावर कंज्यूम बाय हीटर चाहिए. ओ नाउ पावर कंज्यूम्ड बाय हीटर, दिस इज अ टॉल ऑर्डर. पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इनटू आर हीटर. ओ हो माय गॉड, 220 बाय 580.8 का होल स्क्वायर इनटू बाय रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना है 96.8. ओके तो दिस इज 48400 एंड 581 580 का स्क्वायर. मैं 580 यूज कर रहा हूं, मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, उसके दो जीरो यहां लगा देता हूं. 58 का स्क्वायर 8 8 64 एंड 8 5 40 46 एंड 8 5 40 5 5 25 29 3 3 6 4. ओहो 3 3 6 4 00 इंटू 96.8 इट्स गोइंग टू ड्राइव अस क्रेजी. वील हैव टू लुक एट सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट जिसमें हम कुछ कर सकते हैं इसके साथ. 484 और 3 3 6 4 सॉरी क्या कर देते, पर उससे क्या फर्क पड़ेगा. तू सिर्फ इनका यू नो डिवीजन देखना, जैसे ये 4.8 है और ये 336 है या 33.6 है. मैं ये साइड उड़ा दूं क्या? आई थिंक आई एम गुड टू गो राइट. आई ट्राई टू यू नो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि ये पीएच 4.8, मैं दो जीरो उड़ा रहा हूं यहां से, 33.6 96.8. आप चाहो तो एक और जीरो उड़ा देता हूं, खड़ंग खड़ंग 3.36 एंड 9.68. 3.36 करीबन त्रीजा चल जाएगा, त्रीजा करीबन एंड 4.8 मतलब 5 त्रीजा 15 16 के आसपास एक रफ आंसर आना चाहिए. देखो तो जरा कोई आंसर है जो 16 के आसपास हो रहा है, 15 16 के आसपास. पीपल हाँ मतलब 13 14 यस वी आर गुड, करीबन 14 वॉट के आसपास हमको मिल गया. ये यू नो रफ ही आइडिया हो सकता है, बाकी मल्टीप्लाई करने में तो हालत खराब हो जाएगी. एंड पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, लेट्स सी बल्ब अपने को कुछ सहारा देता है कि नहीं देता. पी बी इज आई स्क्वेयर आर बी. ओहो ये फिर से आया. आर बी कितना है 484. तो अपन ने 220 का स्क्वायर अपॉन 580.8 का स्क्वायर 4.8 बाई 3.36 फाइंड किया था ना, एक 33.6 इंटू 484 एंड एक जीरो अगर उड़ा दूं तो यहां पे भी एक जीरो यहां पे आ जाएगा एंड 4.8 बाई 3.3 करीबन 1.5 करीबन 1.2 1.3 के आसपास इंटू 50 70 60 70 के आसपास होना चाहिए. व्हाट से 70 के आसपास का नंबर लग रहा है, करीबन 70 के आसपास. व्हाट से देखो तो ऐसा कोई आंसर है. अरे दौड़ेगा ना 70 दौड़ेगा ना भाई, ऐसा दौड़ेगा पता भी नहीं चलेगा कौन कहां दौड़ गया. सो बी गुड फॉर गेस वर्क्स, क्योंकि कभी कभी मल्टीप्लाई करते करते तो हालत गंभीर हो जाती है. तो इस तरह करते रहे एंड नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब व्हीटस्टोन ब्रिज पोटेंशियोमीटर वगैरह को वर्कआउट करेंगे
and I'll show you some new things also. So till that time, you keep solving. Take care. Bye-bye.